होगी और जल्दी उनकी गिरफ्तारी। आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं? कुर्की जब्ती कोर्ट से डिमांड किया है, दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया है, उसका आज आर्गुमेंट है। मुजफ्फरपुर महापाप में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा देने वाली बिहार सरकार की एक्स मिनिस्टर मंजू वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के अब बिहार पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी केएस द्विवेदी ने साफ साफ कहा है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी, अब वो कहीं और भाग नहीं सकती। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डीजीपी ने क्या कुछ कहा है। कोई आदमी किसी केस में इन्वॉल्व है तो कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। चिंता कर रहा है, हम लोग भी चिंतित हैं। क्या लग रहा है सर, कब तक गिरफ्तारी नहीं? इस गिरफ्तारी में इस तरह का टाइम नहीं होता है, हम प्रयास बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जल्दी ही गिरफ्तारी। तो सुन लिया आपने, डीजीपी ने साफ साफ कहा कि कार्रवाई बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी जारी है और वो बच भी नहीं सकती, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी। इससे पहले एडीजी मुख्यालय एसके सिंगल ने भी ये साफ साफ कह दिया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है, मतलब कि जमीन तो जमीन अब हवा में भी मंजू वर्मा बच नहीं सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार समेत झारखंड के कई जगहों पर, कई ठिकानों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए। इस बीच खबर है कि बेगूसराय में वो सरेंडर भी कर सकती है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए हर तरह के उपाय अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा था कि आखिर मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, पुलिस पर लगातार दबाव है। बेगूसराय पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मंजू वर्मा की गिरफ्तारी हो जाए। किसी को मालूम नहीं है कि आखिर फरार मंजू वर्मा कहाँ है। इससे पहले उनके पति चंद्रशेखर वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर किया था और उसी के बाद मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट में अर्जी भी डाली थी कि उनका जो है उनको फरार घोषित न किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद से, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद से पुलिस पर दबाव काफी बढ़ गया है। बिहार सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है। इस बीच डीजीपी की यह बड़ा बयान सामने आया है। देखते हैं कि कब तक मंजू वर्मा की गिरफ्तारी हो पाती है या फिर उससे पहले मंजू वर्मा इस मामले में सरेंडर कर देती हैं। फिलहाल आर्म्स एक्ट मामले में मंजू वर्मा फरार है। उनके आवास से कारतूस बरामद हुए थे जो कि अवैध पाए गए थे सीबीआई के रेड में। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।